आइए हम आपको बताते हैं अंबुबाची मेला के बारे में। अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष माँ कामाख्या देवी मंदिर असम गुवाहाटी में मनाया जाता है। अंबुबाची मेले में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें अधिकतर तांत्रिक होते हैं, यही कारण है कि इसे तांत्रिकों का मेला भी कहा जाता है। कामाख्या देवी अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। यह शक्तिपीठ असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर का निर्माण माता सती के शव के अंग से हुआ है। माता सती के प्रति भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 भाग किए थे। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वे शक्ति पीठ कहलाए। इस मंदिर के स्थान पर माँ सती का योनि भाग गिरा था। अंबुबाची मेला माँ कामाख्या देवी के मासिक धर्म के समय को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर मासिक धर्म आने पर पूजा की जाती है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। मंदिर में एक कुंड सा है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस जगह के पास में ही एक मंदिर है जहां पर देवी की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि इस जगह पर मां का योनि भाग गिरा था, जिस वजह से यहां पर माता हर साल 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं। 22 जून 2020 सोमवार को पूजन करके मां कामाख्या देवी मंदिर के द्वार को बंद कर दिया जाएगा और मंदिर में किसी का भी प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। और फिर 3 दिन यानी 26 जून 2020 शुक्रवार की सुबह को मंदिर के द्वार खोले जाएंगे और पूजन करके भक्तों के दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। अंबुबाची मेला हर वर्ष इसी जून महीने में इसी तारीख को लगता है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों लोग माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए आते हैं।